2019 के मोदी सरकार के उस फैसले को यानी कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निरस्त कर दिया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अब ये रुख साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लौटने नहीं वाली है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 एक बार फिर सुर्खियों में है। अनुच्छेद 370 के फैसले पर समीक्षा करने वाली मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब कभी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 नहीं लौटेगा। मोदी सरकार के साल 2019 के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा गया है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा था कि यह एक अस्थायी प्रावधान है और राष्ट्रपति के पास इसको हटाने का अधिकार है। माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के रुख से उन लोगों को करारा जवाब मिला है जो लगातार साल 2019 से ही मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, जबकि सरकार कई मौकों पर अनुच्छेद 370 के हटने से फायदा बता चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। अनुच्छेद 370 के लागू होने से रक्षा, विदेश, वित्त मामलों को छोड़कर संसद का कोई भी कानून राज्य सरकार की मंजूरी के बिना लागू नहीं होता। 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में नागरिकता, संपत्ति और मौलिक अधिकारों का कानून दूसरे राज्यों से अलग था। इस अनुच्छेद के साथ दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। वहीं इस अनुच्छेद की वजह से केंद्र सरकार के पास वित्त आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद बीजेपी नेता ने भी फैसले का समर्थन किया। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि आज भी वही हुआ जो कानूनी तौर पर किया गया था। वहीं कविंद्र गुप्ता ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में शांति और विकास आया है। आज धारा 370 के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट भी बढ़ी है, शांति व्यवस्था भी बनी है। ये जो लोग इस प्रकार की कोशिश करते हैं उनको घर बैठना चाहिए, ना कि लोगों को गुमराह करना चाहिए। यानी एक बार फिर से साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर में बार बार अनुच्छेद 370 पर बहस नहीं होगी और अनुच्छेद के फैसले को हटाने का निर्णय भी कोर्ट ने सही बताया। अब देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद भी किस किस की गाड़ी यहाँ पर अनुच्छेद 370 पर बहस के लिए